दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ईस्ट विनोद नगर इलाके स्थित रिट्रीट अपार्टमेंट के पास नए मोहल्ला क्लिनिक का किया उद्घाटन। इस मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा इलाके के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से दिल्ली वासी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। कोरोना काल में भी मोहल्ला क्लिनिक ने अहम योगदान दिया। जब सारे अस्पताल आम मरीजों के लिए बंद थे, तब इस मोहल्ला क्लिनिक में लोगों का इलाज किया गया। मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहल्ला क्लिनिक से सिर्फ बीजेपी के लोग खुश नहीं है, पूरी दिल्ली खुश है। गौरतलब है कि पड़पड़गंज विधानसभा के अंतर्गत ईस्ट विनोद नगर में दिल्ली का 457 वा मोहल्ला क्लिनिक खुला है। पड़पड़गंज विधानसभा में 9वां मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया गया है। आज मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, आज एक नए मोहल्ला क्लिनिक का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के समय में भी लोगों के सबसे ज़्यादा काम आए, क्योंकि जिस समय दिल्ली के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कोरोना हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल्स से बदल दिए गए, उस वक्त लोगों के सामान्य बुखार, सामान्य टेस्टिंग, सामान्य बीमारियाँ जो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो सकती थी, उनका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में होता रहा, जिसकी वजह से लोग दुखी नहीं हुए। वरना कोरोना के अलावा जिन लोगों को और कोई बीमारी हो रही थी, जिनके लिए वो डॉक्टर खोजते, उनको बहुत दिक्कत होती। तो आज दिल्ली का एक और मोहल्ला क्लिनिक खुला है और मैं सभी क्षेत्र के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर उसी तरह से लोगों को सुविधा इसको मिलती रहेगी। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।